सो अभी तक हमने पैंडास में काम स्टार्ट कर दिया, कुछ फंक्शंस भी देखे हैं डेटा फ्रेम्स के ऊपर, बट इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा रुक करके सीरीज के बारे में जानते हैं, बिकॉज सीरीज इज लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक टू डेटा फ्रेम, राइट? तो सीरीज के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में इस वीडियो में पढ़ रहे हैं. सो इफ यू रिमेम्बर, कभी भी तुम एक सिंगल कॉलम या फिर एक सिंगल रो निकालते हो अपने डेटा फ्रेम में से, तो तुमको एक सीरीज मिलता है. और कभी कभी कुछ और ऑपरेशन से भी तुमको जो रिजल्टेंट आता है वो सीरीज होता है. जैसे एक ऑपरेशन हमने किया था, जैसे हम सेम आईपीएल वाले डेटा पे काम कर रहे हैं, जब हमने विनर कॉलम के ऊपर हमारा वैल्यू काउंट्स फंक्शन लगाया था, तो जो रो हमें जो रिजल्ट हमें मिला था, दैट वॉज ऑल्सो अ सीरीज, राइट? कैसे पता चला वो? अगर हम टाइप निकालें तो यू कैन सी दैट दिस थिंग इज अ सीरीज, राइट? सो सीरीज से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ, आगे काम आएगा. सीरीज में दो चीज़ें होती हैं, टू बी वेरी वेरी इन अ वेरी सिंपल मैनर आई वुड से कि देर आर ओनली टू थिंग्स इन सीरीज. फर्स्ट जो लेफ्ट साइड में होता है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स, और ये यूनिक होना चाहिए, राइट? और जो उसके सामने है इसको हम बोलते हैं वैल्यू, राइट? और ये रिपीट कर सकता है, राइट? सो अगर तुमको लेट्स से अगर मैंने इस पूरी चीज को एक वेरिएबल में डाल दिया, लेट्स कॉल इट माई सीरीज. सो दिस इज माई सीरीज, राइट? अगर मुझे इसमें से सारे के सारे इंडेक्स निकालना है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली राइट इंडेक्स, इट्स एन एट्रीब्यूट, राइट? शिफ्ट एंटर किया और मुझे ये एरे के फॉर्म में सारा का सारा चीज मिल गया, राइट? सिमिलरली अगर मुझे इसमें से सारी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए भी आई हैव गॉट एन एट्रीब्यूट और उसका नाम होता है वैल्यूज, राइट? इनफैक्ट आप क्या कर सकते हो कि यू कैन अप्लाई द हेड और द टेल मेथड एज वेल ऑन पैंडा सीरीज, सेम ही काम करता है. और भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे व्हाट वी कैन डू इज कि हम इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. कैसे? अगर मैं इसको कॉपी कर लूं और मैं लिखूं वैल्यूज और वहां पे मैं पास कर दूं, और हम क्या कर सकते हैं कि अगर लेट्स से तुमको कोई स्पेसिफिक इंडेक्स के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो चाहिए, तो उसके लिए भी सिंटेक्स बहुत सिंपल है. यू विल सिंपली कॉपी द नेम ऑफ द इंडेक्स, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के पास कर दो. जैसे यहां पे किंग्स इलेवन पंजाब ने 70 मैचेस जीते हैं, और ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, राइट? सो सीरीज में भी ऑलमोस्ट मोर और लेस वैसे ही फंक्शनैलिटीज अवेलेबल है. कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज भी है जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, बट इट्स वेरी वेरी इंट्यूटिव. अगर तुमने थोड़ा भी कमांड कर लिया डेटा फ्रेम्स के ऊपर, तो यू विल सी कि थोड़ा सा सिंटेक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने पे तुम सीरीज के साथ भी कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है? एक और चीज जो मैं बताऊंगा तुमको, विच इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट और आगे भी तुमको काम आएगा, इज दिस कि इफ यू रिमेंबर मैंने तुमको एक क्वेश्चन दिया था कि तुम मेरे को ये निकाल के बताओ कि आईपीएल की टॉप 5 टीम्स कौन सी हैं जिन लोगों ने सबसे ज्यादा मैच खेला. और मैंने ये बोला था कि इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन. व्हाई? बिकॉज अगर तुम देखोगे ऊपर जाके, तो ये जो डेटा है ये टीम 1 और टीम 2 में डिसाइडेड है, डिवाइडेड है, आई एम सॉरी. तो हो सकता है कि अगर आपकी टीम मुंबई इंडियंस है, तो उस पर्टिकुलर मैच के लिए उसको टीम 1 कंसिडर किया गया, बट किसी और मैच के लिए देर इज अ आउटसाइड चांस कि वो टीम 2 कंसिडर हो रही है, राइट? तो अगर तुम किसी एक टीम कॉलम के ऊपर वैल्यू काउंट्स लगाओगे, तो देर इज अ चांस, इनफैक्ट इट्स अ बिग चांस, कि तुम बहुत सारे ऐसे मैचेस मिस कर दो जहां पे मुंबई इंडियंस टीम 2 बन के खेली. बट मुझे तो वो सारे मैचेस निकालने हैं जिसमें टीम मुंबई इंडियंस खेली है, राइट? तो इसका एक बहुत स्मार्ट तरीका क्या होता, अगर तुमने सीरीज में ये चीज पढ़ लिया होता तो फिर बहुत ईजी हो जाता, कि हम ये कर सकते थे कि हम सबसे पहले क्या करते, हम
डेटा टीम वन के ऊपर वैल्यू काउंट्स लगाते हैं, राइट? और यू कैन सी कि अगर मैं सिर्फ टीम वन की बात करूं, सिर्फ टीम वन कॉलम की बात करूं, तो मुंबई इंडियंस ने 82 मैचेस खेले हैं, किंग्स इलेवन पंजाब ने 77 मैचेस खेले हैं। बट अगर मैं टीम टू बना दूं एज इन सेकेंड कॉलम की बात करूं, तो यू कैन सी कि दिल्ली डेयरडेविल्स ने सबसे ज्यादा बार टीम टू बनकर के 84 मैचेस खेले और यहां पे मुंबई इंडियंस 75 है। नाउ डोंट यू थिंक कि अगर मैं ये 75 मैचेस मुंबई का और वो 82 मैचेस जो टीम वन से आया है उन दोनों को अगर ऐड कर दूं, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय मुंबई आ जाएगा, राइट? तो अब ये काम अगर तुम अलग से करने जाओगे तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा और जबरदस्ती का ब्रूट फोर्सिंग लगेगा कोड, राइट? एक बहुत ही एलिगेंट तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कि तुम दो सीरीज को इंडेक्स से पकड़ के जोड़ दो, और ये होता है, राइट? अगर दो सीरीज में सेम इंडेक्सेस हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली ऐड देम। ये देखो, कॉपी प्लस, और यहां पे मैंने डाल दिया टीम वन और शिफ्ट एंटर मारा। ये देखो 131, 147 एंड हियर मुंबई, हियर इज मुंबई विथ 157 मैचेस, राइट? 82 था प्लस 75 जुड़ गया और ये हमारा रिजल्ट आ गया। आप इसके ऊपर और भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, ऑल्दो अभी लॉजिकल नहीं है, बट यू कुड हैव इजीली डन मल्टीप्लिकेशन और डिविजन और एनी अदर बूलियन और एनी अदर मैथमेटिकल ऑपरेशन कैन बी डन। इनफैक्ट कंपैरिजन ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। सो जो भी पाइथन के ऑपरेटर्स हैं उसको उठा करके तुम सीरीज के ऊपर चला सकते हो अगर दो सीरीज का इंडेक्स सेम है, ठीक है? सो इतना बताना था मेरे को सीरीज के बारे में, सो दैट तुम थोड़ा और एक्सपेरिमेंट कर पाओ, बाकी हम ऑन द गो सीखते जाएंगे, ठीक है? सो दैट वॉज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।